देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं बेड्स की, तो कहीं वैक्सीन का शॉर्टेज। इसी कड़ी में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया जो लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए। कोरोना से जुड़े 6 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं, जिनमें बेड्स की कमी, सोशल मीडिया पर मिल रही शिकायतों का मामला, वैक्सीनेशन, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई का मामला, ऑक्सीजन को लेकर सियासत और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। तो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां पर रोज हजारों कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों मरीजों की जान जा रही है। हालांकि प्रदेश में कोरोना का टीका लगाने का काम तेजी से जारी है, इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार भी जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया। सीएम ने पत्र में कहा कि 18 से 44 साल की उम्र वर्ग में वैक्सीनेशन की प्राथमिकता तय की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी के मद्देनजर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।